सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋतुराज व्लॉग्स। आज हम आ गए हैं नर्सरी। आज का व्लॉग मेरा नर्सरी से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं सामने इतने सुंदर सुंदर सदाबहार के पेड़ रखे हुए हैं, और ये सदाबहार बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये बगल में बैंगनी वाला भी सदाबहार है। यहाँ पे कई सारे सदाबहार और ये सब गेंदे के पेड़ हैं। और ये डॉग फ्लावर है, और गेंदा के बहुत ही अच्छे अच्छे वेराइटीज़ यहाँ हैं उपलब्ध थे। और साइड में भी गेंदा रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं नर्सरी में नए नए फ्लावर आ गए हैं, तो उन्हीं को लेने मैं वहाँ पर गया था। और मैंने देखा पिटूनिया भी वहाँ पर आ चुकी है, तो पिटूनिया के भी बहुत सुंदर सुंदर फूलों कलर थे। और ये है विद्या का पेड़, आप लोग जानते ही होंगे इसको। यहाँ पे विद्या के काफ़ी बड़े बड़े पेड़ रखे हुए हैं, और नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा सफाई हो चुकी है। और ये विद्या है, और ये है पप। ये फ्लावर जो गर्मियों में फूल देते हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता, बट ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मैंने इन्हीं फ्लावर्स को लिया था। और ये रोज़ मिल गया जो कि पिंक उसमें था, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। और यहाँ पर सभी गुलाब के ही पेड़ हैं, और तो कोई पेड़ है नहीं। ये सब चाइनीज़ गुलाब हैं ग्राफ्टेड, और साइड में भी ग्राफ्टेड गुलाब रखे हुए हैं। और इस साइड में ये भी ठंडियों के फूल हैं, देख सकते हैं नई नई वैरायटी अलग अलग कलर में हैं। और ये मिर्चा के पेड़ हैं, और मैंने इसमें से एक पेड़ लिया हुआ है। और अब आगे चलते हैं, पूरी नर्सरी को घूम कर आते हैं, देखते हैं। कटहल के पेड़ रखे हुए हैं, और पूरी नर्सरी को घूम रहा था, फिर गुलाब भी मिले मुझे। गुलाब और गुड़हल दोनों पे मिले, और इस पेड़ में कटिंग कितनी अच्छे से की गई, देख सकते हैं आप लोग। इतना बढ़िया सफाई हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि दीपावली कर आने वाली है, तो इसीलिए और ज़्यादा सफाई वगैरह हो रही है। और नए नए पेड़ भी आ रहे हैं, और पेड़ों को नए नए थैले भी भरे जा रहे हैं। और तभी मुझे दिख गया नींबू का पेड़, और मैं आप लोगों को अब नींबू दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और अभी मैं ये नींबू के पेड़, बड़े वाले नींबू हैं। अब मैं ये है मिर्च गुड़हल, जिसे मिर्ची गुड़हल भी बोलते हैं। और ये लेमन ग्रास, और ये गेंदा। और अब मैं आपको दिखाऊंगा छोटे वाले नींबू, जो कि डार्क वैरायटी के होते हैं, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए। और मैं इसे अब तोड़ भी लूँगा, देख लूँगा तोड़ के घर पे खाने के लिए। स्वाद में बहुत ही अच्छे होते हैं, और खट्टे होते हैं। छोटे होते हैं बट बहुत खट्टे होते हैं। और इधर मैंने देखा उस साइड कुछ भी नहीं था, जितना पेड़ आया था नया सब इसी तरफ था। और मैंने इसमें से पीला वाला फूल का पेड़ मैंने ले लिया है, जो कि मैं आपको घर पे दिखाऊंगा। और ये पेड़ मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा। सो अब हम घर की ओर निकल चुके हैं, और अब घर जाकर ही आपको दिखाएंगे पेड़ के बारे में। ये आप देख सकते हैं ये पेड़ मैंने लिया है, और अब घर पहुँच चुका हूँ मैं, जिसे अब ज़मीन में नहीं पॉट में लगाना है। और इसकी मिट्टी भी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस पॉट में मैं लगा रहा हूँ। और चलते हैं, देखते हैं, पॉट को देख लेता हूँ मैं। छोटा सा पॉट इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं आप। इसकी कटिंग्स काट के आप लगाइए, और इससे भी ये बहुत ही अच्छा ग्रो होता है। और ये है पॉट जिसमें हम लोग लगाएंगे इस पीले फूल को।
और इसकी मेरे पास और भी वैरायटीज़ हैं। और मिट्टी को अब हम लोग नाक नीचे गिरा लेंगे और इसमें अब हम लोग थोड़ा सा भी बालू ऐड करेंगे, जिससे ये मिट्टी थोड़ा भुरभुरी हो जाए, जो कि पेड़ के लिए ज़्यादा सही रहेगी, सही रहती है और मिट्टी टाइट नहीं होती है। और इसमें मैंने बालू देखिए मिला लिया है और अब इसे हम लोग पॉट के अंदर फिल करेंगे और उसमें हम पेड़ लगाएंगे। और देख सकते हैं पॉट में हमने मिट्टी भर दी है, शुरू कर दिया है भरना। और अब इसकी इस पेड़ की ऊपर की पॉलीथीन को भी हमें अब तोड़ना फाड़ना पड़ेगा। और फाड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है और अब ये फट चुकी है, तो अब इसे हम लोग सीधे लगाएंगे। बट थोड़ा सा ये सही नहीं है, थोड़ी मिट्टी इसीलिए हमने निकाल ली, क्योंकि ये सही नहीं लग रहा था, काफ़ी ऊपर आ गया था। और अब इसके अंदर जो ये खरपतवार के पेड़ जमे हुए हैं, इनको हम लोग रिमूव कर देंगे। देख सकते हैं ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं, ढैंचे वैचे के हैं, इसीलिए अब हमें इनको हटाकर इसमें अलग से मिट्टी भर देंगे ऊपर तक, जो कि पेड़ को थोड़ा सा एयर अंदर न जाए, और इसे अच्छे से भर कर फिर हम लोग इसे साइड में रख देंगे। और मैंने कुछ बहुत पेड़ मैंने अभी लगाया भी है, कटिंग से तैयार किया है, और उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और चलते हैं अब इसे कहीं रखते हैं, देखता हूँ कहाँ रखता हूँ। चलिए यहीं पर रख देता हूँ साइड में। हाँ, और ये जो चंपा का पेड़ है वो मैंने कटिंग से ग्रो किया है, आप देख सकते हैं, और ये चल भी गया है। अब इसमें पानी देने का समय हो गया है, ताकि हम लोग इसमें पानी देकर अब अच्छे से पानी इसमें पूरा अंदर तक सोख ले। और बगल में ये गुलाब का पेड़ है, ये गुलाब बटन रोज़ है, थोड़ा सा वीक चल रहा है इसका अभी, क्योंकि सीज़न अब आ रहा है तो अब अच्छे से। और ये अब मधुमालती का पेड़ है और ये स्पेचिका की बॉडी है। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये सीड घर से जमाए हुए मिर्चे के पेड़ हैं, जो कि 4-5 महीने के हो गए हैं और अब इसमें मिर्च भी लगने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा मिर्च लगी थी, कुछ तो तोड़ ली हैं और कुछ बची हुई जो नई अभी आई हैं। और अब चलते हैं छत पर, देखेंगे। अब ये है एलमेंडा का पेड़, जो कि बहुत भी अच्छे से फूल दे रहा है। इससे पहले मैंने आपको दिखाए थे दूसरे वाले वैरायटी के एलमेंडा के पेड़, और ये बाहर धूप में रखा हुआ है, इसमें टब में लगा हुआ है। ये ग्राफ्टेड रोज़ जो कि मैं मंदिर गया था घूमने, वहाँ से मैं लेकर आया था, और ये हो गया मेरे पास 2 साल इसके कंप्लीट हो गए, और इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। और अब चलते हैं जग उठाकर, अब चलते हैं। देखिए ये पेड़ नया है मेरे पास, आप लोग इसे देख सकते हैं, ये नया, ये भी, ये तो मेरे पहले पास मेरे था, और जो इसकी येलो वैरायटी लेकर आया हूँ वो नई है। सो अच्छा लगे तो लगा रहता है। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।